टेस्ट सीरीज में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिल्ड होगा कि आप अपने एग्जाम्स के टाइम एक Hi, myself Yukti, Masters in Political Science, and currently I'm working with Plutus IAS as a career psychologist. So test series, we are going to talk about a test series. कि test series क्यों ज़रूरी होती है? आपकी preparation होने के बाद या course complete होने के बाद एक student को एक ये क्यों demand होती है कि हाँ मुझे अब test series लगानी है या तो चलो मुझे अब practice करनी है. The only reason कि आप test series क्यों लगाते हो और what like importance क्या है test series लगाने की, आज हम इस video में ये discuss करेंगे. तो टेस्ट सीरीज हम इसलिए लगाते हैं, पहले मैं आपको एक बार बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि हम क्यों टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, क्या बेनिफिट्स रहते हैं. तो टेस्ट सीरीज हम इसलिए लगाते हैं कोर्स कंप्लीट होने के बाद, इसलिए हम टेस्ट सीरीज लेते हैं. रीज़न ये रहता है, बहुत मेजर रीज़न है कि अगर हमने पूरे कोर्स करा है, पूरी प्रिपरेशन करी है, तो ये तो नहीं, अब आपको उसकी प्रैक्टिस चाहिए, रिवीजन चाहिए. अब ये आपको नहीं पता कि यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है, तो टेस्ट सीरीज आपके लगाने का, लेने का एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ आ जाएंगे कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे आएंगे, देन आपको उसमें कैसे फॉर्मेशन ऑफ लाइक पहले तो आपका जो एक मेजर रहेगा कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, उसका नेचर क्या है, देन स्ट्रक्चर ऑफ आंसर मुझे कैसे करना है. तो आप जब टेस्ट सीरीज लेते हो आपको ये सारी चीज़ें पता चलती है. दूसरा जो एक बहुत मेजर रहेगा कि आपको अपनी ही वीकनेस पता चलेगी कि कहाँ आप कितना लैक हो रहे हो, तो दूसरा रीज़न आपका ये रहता है. थर्ड रीज़न जो आपका रहेगा वो रहता है कि आप जितने टेस्ट दोगे, जैसे हम जब 10th या 11th क्लास में होते हैं तो हमें शुरू से ये चीज़ सिखाई गई है मैथ्स में कि आप जितना उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपका अच्छा चलेगा. प्रैक्टिस कर ली, फॉर्मूले हमें एकदम से ऐसे हो जाता है हाँ यार ये फॉर्मूला ये लिखना है, उसको करना है. तो टेस्ट सीरीज में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिल्ड होगा कि आप अपने एग्जाम्स के टाइम एक पैनिक ना हो जाओ कि यार अब मुझे क्या लिखना है, मैं कैसे करूँगा हैंडल. एक स्टूडेंट को ये भी रहता है, एक पैनिक हो जाते हैं बच्चे. तो टेस्ट सीरीज लगाने के आपके बेनिफिट्स जो रहते हैं वो ये रहते हैं. अब मैं आपको एक चीज़ और दूसरी चीज़ जो एक्सप्लेन करूँगी कि प्लूटस आईएएस आपको ऑप्शनल प्लस GS के प्री प्लस मेन सबके टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करते हैं. तो आपको प्रीलिम्स में जो टोटल टेस्ट सीरीज जो आपको मिलती हैं वो 65 टेस्ट मिलते हैं आपको, जिसमें प्लस 8 CSAT के भी होते हैं, 20 आपके हो जाते हैं सेक्शनल टेस्ट, 20 आपके फुल लेंथ एंड 25 आपके क्लासिक टेस्ट हो जाते हैं. क्लासिक टेस्ट मीन्स जिसमें आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर का PYQ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो उसमें रहेंगे. मेंस में हम स्टूडेंट को टोटल 24 टेस्ट देते हैं, 10 आपके सेक्शनल हो जाते हैं, 10 आपके फुल लेंथ हो जाते हैं, 4 आपके एसे राइटिंग के टेस्ट हो जाते हैं. अब आप जब टेस्ट सीरीज लेते हो, पहली चीज़ तो हम आपको जो एक बेनिफिट जो देंगे हमारी टेस्ट सीरीज लेने का, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ही टेस्ट सीरीज ली है, अब वो टेस्ट हुआ मैंने करा, उसके बाद मेरी जो मिस्टेक्स निकली फैकल्टी के साथ मुझे 1-to-1 डाउट सेशन मिलेगा. अगर आप टेस्ट सीरीज को प्लूटस आईएएस से ले रहे हो तो जो मेजर बेनिफिट जो आपका रहता है कि आफ्टर एवरी टेस्ट आपका एक 1-to-1 डाउट सेशन रहेगा विद योर कंसर्न फैकल्टी के साथ. फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉलिटी का टेस्ट दिया, मेरा डाउट आया, फैकल्टी ने उसको चेक करा, मेरी यहाँ यहाँ हाँ क्वेश्चन वन में ये मिस्टेक, क्वेश्चन टू में मेरी ये मिस्टेक हो गई है. उसमें क्या है, मिस्टेक सिर्फ लिखने या दिखाने के लिए, रिमार्क सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, आपको उसके बाद एक प्रॉपर गाइडेंस एंड मेंटोरशिप भी चाहिए होती है. तो उसमें क्या है, आपका एक 1-to-1 डाउट सेशन रहेगा विद योर कंसर्न फैकल्टी के साथ कि अगर मेरा डाउट पॉलिटी में आया है, मेरी बहुत सी मिस्टेक पॉलिटी के टेस्ट में हुई है, तो मेरे जो डाउट सेशन लेंगे वो डॉक्टर विजेंद्र झा सर ही लेंगे. तो इसलिए हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.